तो मैंने बहुत सारा गलती उस पर करी जिस वजह से ब्लैक स्पॉट्स पड़ गया था। मैं एक एक करके हर चीज़ बताऊंगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हमारा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ठीक रहे, ख़राब ना हो। और साथ ही मैं एक अच्छा स्किन केयर रूटीन भी बताऊंगी, स्पेशली कम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन। ड्राई स्किन तो मेरा है नहीं, इस वजह से मैं वो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं ड्राई स्किन के बारे में बहुत लोगों से पूछ कर उसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप उस वो रूटीन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका ड्राई स्किन है। लेकिन ये फिलहाल ये कम्बिनेशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल है और ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा। तो सबसे बड़ी गलती हम अपने फेस पे जो करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे फेस पे वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स है, तो हम उस पर अगर स्क्रब लगाएंगे तो वो साफ़ हो जाएगा, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं होता है। उससे हमारा जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स वो बस इरिटेट होता है, साफ वफ कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर आपके फेस में एक्ने है, पिंपल्स है, वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स, तो स्क्रब तो भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए अपने फेस पे, चाहे वो घर का बना हुआ हो चाहे मार्केट वाला हो, स्क्रब नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही जो चारकोल मास्क होता है, जिसको पिक्चर साइड में लगा दूँगी रेफरेंस के लिए ताकि आप समझ जाए, चारकोल मास्क जो होता है हम अपने नाक पे लगा लेते हैं या फिर पूरे फेस पे लगा लेते हैं, जिससे हमें लगता है कि हाँ उसको हम जब वो ड्राई हो जाएगा तो हम उसको उजाड़ेंगे तो वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स साथ में लेकर निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उबल के हमारे फेस पे एक ओपन पोर्स भी छोड़ सकता है अगर उसको लगाएंगे तो। जो भी मैं बता रहा हूँ सारा रियल जेन्युइन है, आप खुद इसको अगर इस्तेमाल किए होंगे तो आपको खुद ही सब पता होगा, फील किए होंगे आप। तो ओपन पोर्स छोड़ देता है, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स नहीं सही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इससे हमारा वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो हो सही हो, ये सब ना करें तो क्या करें, बात सवाल ये उठता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले अपना फेस दोनों टाइम किसी अच्छे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश से धुलना चाहिए, जिसमें 2% सैलिसिलिक एसिड हो। उस फेस वॉश से हमें अपना फेस धुलना चाहिए, मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश का। उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर लगाना है, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है। मैं जो अपना लगा था मैं बता दे रही हूँ, वो फिलहाल तो डॉक्टर ने मुझे ये फेस वॉश लिखा है तो मैं ये लगा रही हूँ इस समय, अदरवाइज मैं ये फेस वॉश यूज़ करती थी, सैलिसिलिक हाइलोरोनिक एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, मैं ये फेस वॉश यूज़ करती थी इस समय, तो मैं ये डॉक्टर ने मुझे ये लिखा है तो मैं ये कर रही हूँ। लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो मे भी मैं वही दोबारा इस्तेमाल करूँ या फिर इस पर ही कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है। तो मैं ये लगाती हूँ, फिर उसके बाद फिर अगर आप बहुत से कॉम्बिनेशन स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले सोचते हैं कि हमारा स्किन तो ऑलरेडी ऑयली है तो हमें मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे बिल्कुल नहीं है। मॉइस्चराइजर हमें लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो हमारा फेस पे वो ऑयल बनेगा नहीं, ऑलरेडी हमारे फेस पे एक जब एक लेयर लग जाएगा मॉइस्चराइजर का, तो जो फेस जो अपने से फेस जो ऑयल नहीं बनाएगा, और इस वजह से जो ओपन पोर्स है और ब्लैक हेड्स है वाइट हेड्स है वो बनेगा नहीं। तो हमें मॉइस्चराइजर जेल बेस्ड लगाना चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते हम, क्योंकि हमारा स्किन टाइप ही वैसा है। तो हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। एक जो बहुत ही बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइजर है जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, वो ये है पॉन्ड सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन, हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है और बजट में भी, क्योंकि हमें ऐसे ही चीज़ लेना चाहिए ताकि हम उसको लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकें। ऐसा नहीं कि कोई भी महंगा प्रोडक्ट ले लिया, इसको एक बार यूज़ कर लिया, फिर दोबारा खरीदने से पहले हमें सोचना पड़े कि ये तो बहुत महंगा है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हर वक्त, तो हमें अपने बजट में ही लेना चाहिए। तो मैं उसके बाद ये लगाती हूँ। फिर उसके बाद जैसे कि गर्मियों का मौसम है, वैसे वैसे गर्मी हो या ठंडी है, सनस्क्रीन तो भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए जो है सनस्क्रीन है ये भी बजट फ्रेंडली है। मैं जो भी लगाती हूँ बजट फ्रेंडली लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसको मुझे हमेशा रेगुलर लगाना है, इस वजह से मैं उसको बजट फ्रेंडली ही लगाती हूँ। तो ये फिक्स डर्मा शैडो SPF 30+ जेल देख सकते हैं, ऑयल कंबिनेशन स्किन टाइप वालों के लिए है, बहुत ही अच्छा है। ये छोटा सा ट्यूब मुझे कॉस्टली तो लगता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महंगा महंगा पसंद ये, लेकिन मुझे कॉस्टली है लेकिन थोड़ा अच्छा भी है, और इससे भी बहुत ज़्यादा महंगा महंगा मैंने सनस्क्रीन देखा है, लेकिन मुझे यही सही लगा थोड़ा। उसके बाद इसका प्राइस मैं बता दूँ, 220 का है ये, बाकी इसका प्राइस है 154 एंड इसका प्राइस है 295। इन सब का मैं डिटेल वीडियो भी एक कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए फेस
फेस वॉश बहुत सारा लेके आऊँगी, बजट में रहे, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो ये सनस्क्रीन हो गया। इस तरह से मगर अपना हम डेली रूटीन अगर अपना डेली स्किन केयर रूटीन मेंटेन रखें तो हमारे फेस पे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स नहीं होंगे। और फिर भी अगर बहुत ही ज़्यादा वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स है तो आपको दवा करवाना पड़ेगा। मैंने दवा करवाया मैंने डॉक्टर, तो आप पहले वाले वीडियो मेरा देखिए, उसमें जो जो मुझे डॉक्टर ने जो जो लिखा है मैं वो सारा सब कुछ बताई हूँ। आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड रात को सोते समय भी हमें मुंह धुलना चाहिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश से। उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे फेस पे जो ऑयल है नेचुरल ऑयल है वो नहीं बनेगा और वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें अपना स्किन केयर रूटीन जो है मेंटेन करना चाहिए ताकि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ना हो। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी मतलब लगा कि हाँ इस वीडियो में आप ये नहीं बताए वो नहीं बताए या फिर कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी। क्योंकि मैं भी बहुत ही प्रो नहीं हूँ वीडियो बनाने में, मेरा भी ये नया नया है, मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ बताऊँ। एंड आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।